हेलो एवरीबॉडी। तो ये है क्लास 7 का हिस्ट्री एमसीक्यू का दूसरा लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो ये सामंत थे कर्नाटक के चालुक्यों के, सॉरी। दूसरा, चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो जो जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था, तो इनके लिए होता था। तीसरा, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट काल की है ये। चौथा, कलहन की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? राजा कश्मीर के राजाओं का। पांचवा सवाल, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंश शासकों के बीच लंबी लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती, सदियों तक चली इसमें लड़ाई का कारण क्या था? तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ रहे थे ये लोग। छठा सवाल, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपने भारत विजय के दौरान किनको लेकर के आए थे? अलबुरानी को लेकर के आए थे। चोल किसके सामंत थे? तो ये सामंत थे राष्ट्रकूटा के, सॉरी पल्लव के। आठवां सवाल, तंजावुर के वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राजराज के द्वारा। नवा सवाल, गंगई कोट चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। दसवां सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे, तथा के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। अचोल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तरोत्तर अभिलेख से प्राप्त होती है, दोनों सही है। ग्यारहवां सवाल, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, सही है। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, सही है। तीसरा, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, तो दो सही नहीं है, एक तीन सही होना चाहिए, सॉरी तीनों सही है। चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो उसके सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी, सही है। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, नाडू न्याय करने और वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे, तो ये दोनों सही है। तेरहवां सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका होगा बेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान समूह की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार भी दी गई भूमि, साला भोग विदाल के रोग रखाव के लिए भूमि, पल्ली चंदम मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, देवदान तिरुनमट कुटकानी जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। तो काफ़ी मुश्किल है ये सवाल, तो मुझे लगता है ये सी होगा, सॉरी डी था ये। तो कंप्लीट हो गया, तो तीसरा लेसन लेकर के आएंगे, ठीक है? तो फॉलो करो, ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ये एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है, आपके लेसन वाइज काफ़ी काम का एमसीक्यू है, इसको फॉलो करो, क्वाइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।